हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप वाला चैप्टर क्लास 12th के लिए। तो पार्टनरशिप के अंदर अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं या किसी भी बुक से हिसाब से कर रहे हैं, आप डीके गोयल कर दीजिए, टीएस ग्रेवाल कर लीजिए या एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, आपके ये कॉन्सेप्ट हर किसी भी बुक के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके ये कॉन्सेप्ट सारे काम आ जाएंगे और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बड़े ही आराम से। ओके, तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा समझना है, फिर आपके पास जो भी जिस भी ऑथर की बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, आप उसके क्वेश्चन खूब सारे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वो एडजस्टमेंट हमें कौन कौन से करने पड़ते हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मेनली 8 एडजस्टमेंट है, ये मेन एडजस्टमेंट है, इसके अलावा छोटे मोटे और भी होंगे जिनको हम आगे डिटेल के अंदर समझेंगे। तो मेनली जो है आपको ये एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जो सबसे फर्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मान लेते हैं आपके पार्टनर थे दो, ये ए एंड ये बी, ठीक है। ये दो पार्टनर थे आपके, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ओके, ठीक है भाई। ए एंड बी दो आपके पार्टनर थे। अब ये जो इन पार्टनर थे ए एंड बी, इनका पहले जो इनका टोटल प्रॉफिट होता था, मान लेते हैं वो 30,000 रुपीज़ होता था, ठीक है। इनका नेट प्रॉफिट हुआ पूरे साल का, पूरे ईयर का। तो मान लेते हैं इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया 18,000 और 12,000, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर इस प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए न्यू पार्टनर आ गया, ठीक है, मिस्टर सी। अब बताइए मुझे, पहले तो उन्होंने 18,000 और 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था, 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, दोनों ने आपस में बांट लिया था। अभी मिस्टर सी भी आ गया है, अब नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर नेक्स्ट ईयर भी 30,000 रुपीज़ का 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो इसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीनों के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें एक न्यू रेशियो चाहिए। बस उसका कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा तो वह बहुत सारी कंडीशंस के अंदर, बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर अलग अलग होता है। उन सारी सिचुएशन को वन बाय वन हम करेंगे और आज के लेक्चर में हम ये करने वाले हैं। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस रेशियो, ये जब इसकी बारी आएगी तब बताऊंगा। फिर एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है, उसमें हम वैल्यूएशन करते हैं गुडविल का और उसकी जनरल एंट्री भी वर्क करेंगे। इसके अलावा गुडविल के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, आगे सेपरेट वीडियो आएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, इसके अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसका भी सेपरेट वीडियो आएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनअक्युमुलेटेड लॉसेस, अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ओके, तो ये भी इसका सेपरेट वीडियो आएगा। और बैलेंस शीट, यानी कि ये पूरे 8 कॉन्सेप्ट इन 8 के 8 कॉन्सेप्ट के ही सेपरेट वीडियो आएंगे। अब सबसे पहले जो वीडियो अभी हमारा चल रहा है ये चलेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम जब करने वाले हैं तो इसके अंदर आज के लेक्चर के ये अंदर खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिचुएशंस है जिनको मैंने जो है यहाँ पर 3 सिचुएशन के अंदर कैटेगराइज किया है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है, न्यू पार्टनर एडमिट हो जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसकी सिचुएशन जो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर मैंने 3 सिचुएशन करी है यहाँ पर। अभी हम क्या करने वाले हैं, आज सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो है उसको हम अच्छे से समझेंगे, फिर उसके हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा उसके अंदर हम सिचुएशन नंबर सेकंड समझेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ करेंगे। फिर सिचुएशन नंबर थर्ड करेंगे, फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, फिर जाके जो है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पॉइंट नंबर फर्स्ट एंड हो जाएगा, फिर हम सेकेंड पॉइंट सैक्रिफाइस रेशियो की ओर बढ़ जाएंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपकी, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। आपको आगे क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें कुछ सिचुएशन दे रखी होगी, ये क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसके अंदर कुछ ओल्ड पार्टनर होंगे, एक न्यू पार्टनर होंगे और उनके डेटा दे रखे होंगे, उन डेटा के बेसिस पर हमको न्यू रेशियो निकालना है। अब न्यू रेशियो कैसे निकाले, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट लग जाएगी। और सिचुएशन नंबर फर्स्ट कब लगती है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, जो नया पार्टनर आ रहा है, मैंने यहाँ पर बोला था ना ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, ठीक है, ये सी न्यू पार्टनर है,
ओके, ए एंड बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है, ओके अभी जो न्यू पार्टनर आ रहा है ना, ये न्यू पार्टनर जो आ रहा है, ये न्यू पार्टनर जब आएगा ना तो वो ए और बी से कुछ शेयर एक्वायर करेगा, तभी तो उसको मिलेगा। नहीं आया समझ में? देखिए अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस रेशियो को भी बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है दो पार्टनर ए एंड बी, ठीक है एक सेकेंड दीजिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है इसका टोटल प्रॉफिट 30,000 होता था, इसको 18,000 मिलता था, इसको 12,000 मिल जाता था, ठीक ये कब होता था जब आपका प्रॉफिट कितना होता था 30,000 रुपये 30,000 रुपीज़, ठीक है ओल्ड पार्टनर थे। अभी नया आ गया तो ये पार्टनर कितने हो गए, तीन हो गए है ना ए बी एंड सी। अभी प्रॉफिट कितना हुआ, अभी प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपीज़ का, ओके अभी प्रॉफिट जो हुआ है 30,000 रुपीज़ का हुआ है, और अब यहाँ पर किसको कितना मिलेगा, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देता हूँ, मान लेते हैं इसको मिल गया 14,000, ठीक है इसको मिल गया 10,000, और इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा आपका 6,000। अब ये कैसे, यहाँ आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता चलने वाली है कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आएगा ना वो न्यू रेशियो से कनेक्टेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए पहले इसको कितने मिलते थे 18,000 प्रॉफिट, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, अभी इसको कितने मिलते हैं 14,000। तो इसने क्या किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है ना, इसने सेक्रीफाइस कितने का किया, अगर सी नहीं आता तो इसको 18,000 मिलते, सी के आने की वजह से इसको कितने मिल रहे हैं 14,000, यानी कि इसने 4,000 किसको दिए हैं, इसने 4,000 रुपीस का सेक्रीफाइस किया है किसको, सी को। तो ए ने कितने दिए इसको 4,000, ओके अब ऐसे कैसे, बी को पहले कितना मिलता था जब सी नहीं था, तो इसको 12,000 रुपीज़ मिलते थे, बी को अब कितने मिलते हैं 10,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो सी के आने की वजह से बी के कितने रुपए कम हो गए, क्योंकि दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट सेम ले रहा हूँ है ना, बिफोर एडमिशन ऑफ सी एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, दोनों में प्रॉफिट सेम है 30,000 30,000, ठीक है तो यहाँ पर उसको 30,000 जब प्रॉफिट होता था तो बी को 12,000 मिल जाते थे, अभी बी को 10,000 ही मिलते हैं, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 2,000 रुपीज़ का, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2,000 रुपीज़ का, तब जाके सी को कितने मिले 6,000 रुपीज़। तो इस एग्जाम्पल से यहाँ पर बताने का मतलब यही है, इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता ना तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट का, और जेन्युइन सी बात है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए एक जो है ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है अभी दो बंदर हैं, तो दो बंदर है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर तीन बंदर हो जाए तो, अब जो पहले दो बंदर बैठे थे उनको पहले जितना मिल रहा था उतना मिलेगा क्या, नहीं उनको सेक्रीफाइस करना है ना, अगर तो वो ही है ना चीज यहाँ पर, तो जितने मेंबर बढ़ते हैं उतने ही जो पुराने मेंबर होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर सेम यही है, तो जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो जो ओल्ड पार्टनर थे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी उनको पहले जितना नहीं मिलेगा, पहले कि जितना इसलिए नहीं मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ जाए वो अलग बात है कि प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज़ हो गया तो ज़्यादा मिल गया ना सर, वो नहीं है, मतलब कंपेरिजन है ना, रेशियो के हिसाब से देखें तो पहले उनको ज्यादा परसेंटेज मिलता था, अब उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने कुछ प्रॉफिट का सेक्रीफाइस कर देंगे न्यू पार्टनर को, ये होता है सेक्रीफाइस रेशियो। तो आया समझ में? अब यहाँ देखिए, अब आप इस सिचुएशन को समझेंगे फर्स्ट वाली को तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या कह रही थी। सिचुएशन नंबर फर्स्ट देखिए, वैन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो वैन न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, बिल्कुल आएगा, और मैंने क्या बोला, नया पार्टनर आएगा तो क्या करेगा, नया पार्टनर आएगा तो वो शेयर एक्वायर करेगा किससे, ओल्ड पार्टनर से, मतलब ओल्ड पार्टनर उसको सेक्रीफाइस करेंगे, तो वैन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर, नया पार्टनर आएगा तो अपना शेयर एक्वायर करेगा फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, और बिल्कुल ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, और ओल्ड पार्टनर उसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन वो सैक्रिफाइस किस रेशियो के अंदर करेंगे, है ना, यहाँ तो मैंने ऐसे ही ले लिया, देखो सैक्रिफाइस किस रेशियो के अंदर करेंगे, तो यहाँ आइए वापस इस एग्जांपल पे, और यहाँ देखते हैं हम उन्होंने सैक्रिफाइस किस रेशियो के अंदर किया। भाई इसको 6,000 रुपीज़ मिले हैं, हाँ सर इसको 6,000 रुपीज़ मिले हैं, लेकिन किसने कितने दिए हैं, ए ने कितने दिए 4,000 रुपीज़, और बी ने कितने दिए 2,000 रुपीज़, तो किसने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका रेशियो क्या, तो देखिए यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा,
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 4000 का और बी ने कितना किया 2000 का, तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 4:2 कटेगा और आ गया 2:1, ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, इन्होंने इस रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस किया है। अब आइए वापस यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्वेश्चन ये सिचुएशन यही कह रही है आपको कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी कि जब न्यू पार्टनर जो है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से लेगा, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर जो है सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर को, तो वो सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बोला हुआ है तो वो सेक्रीफाइस करेंगे जो शेयर करेंगे वो सेक्रीफाइस करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे बेटा, वो करेंगे ओल्ड रेशियो में। ये देखिए सेक्रीफाइस किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो नए पार्टनर को सेक्रीफाइस भी करते। तो या तो क्वेश्चन के अंदर स्पेशली लिखा हुआ हो कि ओल्ड रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस करेंगे, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम यही मानेंगे कि वो सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो के अंदर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या कह रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर इनकमिंग और इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, यानी कि ओल्ड पार्टनर इसको सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, इन पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो मतलब इस बार ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इस बार जिस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे वो रेशियो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। आया समझ में, यहाँ ओल्ड रेशियो, यहाँ आपको रेशियो दे रखा होगा, कुछ न्यू रेशियो दे रखा होगा उसमें सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन नंबर था, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, है ना, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम पर्टिकुलर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर जो है ओल्ड पार्टनर से जो है न्यू पार्टनर एक्वायर करेगा और फ्रैक्शन के अंदर जो है ओल्ड पार्टनर उसको शेयर सेक्रीफाइस कर देंगे। ओके, तो ये तीन सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशन के हम अलग अलग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिकल। अभी हम इस लेक्चर के अंदर जो है सिचुएशन नंबर जो आपकी फर्स्ट है उसको हम करने वाले हैं, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझाने वाला हूं कि वास्तव में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे आती है एग्जाम के अंदर, या आपके जो बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे होंगे उसका आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो ये रही आपकी सिचुएशन नंबर फर्स्ट और ये रहा इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट, तो अब ठीक है आप बोलते हैं तो रीड कर लेता हूँ, देखिए वापस, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर ही शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जब नया पार्टनर एक्वायर करता अपना शेयर किससे, ओल्ड पार्टनर से, यानी कि ओल्ड पार्टनर क्या करेगा बेटा, सेक्रीफाइस करेगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यहां देखते हैं, देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है सुनील बेटा गेट बंद कर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, ठीक है, ए एंड बी दो पार्टनर है, ठीक है, ए सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां पर देखिए, ठीक है सॉल्यूशन, ए एंड बी पार्टनर है, इनका रेशियो क्या है 5:3, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ शेयर फ्रॉम प्रॉफिट, सी आ रहा है नया 1/4 प्रॉफिट के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। अब देखा आपने यहाँ पर क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, इसमें कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट लग जाएगी। अभी जो ये 1/4 मिल रहा है, ये 1/4 किसको मिल रहा है, ये 1/4 मिल रहा है किसको बेटा, ये 1/4 मिल रहा है आपके सी को, तो ये सी को जो 1/4 मिल रहा है इसको ए एंड बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर सेक्रीफाइस करेंगे, है ना। ओके, तो इस सिचुएशन में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे एज्यूम, एक सेकंड बस, हाँ सबसे पहले हम करेंगे एज्यूम करेंगे फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, हम प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट कितना एज्यूम कर लेंगे 1। अब 1 अगर फर्म का प्रॉफिट है बेटा, तो इसके अंदर देखिए आप, अगर फर्म का प्रॉफिट 1 है इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इसके अंदर ये न्यू फर्म का प्रॉफिट है ना, जो ए बी सी तीनों की फर्म है ना, सी के आने के बाद का प्रॉफिट है, तो इसमें किस किस का हिस्सा, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। अब सी का जो न्यू शेयर है वो हमें पता है, सी का जो न्यू शेयर है वो हमें बताया कितना है, वो है 1/4, क्योंकि सी नया था तो नया शेयर है इसका, लेकिन ए और बी का कौन सा है, ओल्ड रेशियो है, पर ओल्ड रेशियो नहीं चाहिए हमको, न्यू रेशियो चाहिए। तो अब हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे यहां पर प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सी शेयर, सी का शेयर लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट टोटल कितना था 1, उसमें सी का शेयर लेस कर दो वो कितना है 1/4, तो हम एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 4
यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 4 की टेबल में ये एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, 4 माइनस 1 तो ये हो गया 3/4। अब यहाँ पर आप सिचुएशन देखिए, अब ये जो 3/4 आया ना, इसमें किस किस का शेयर है इसमें पता बेटा? वैसे 1 में तीनों का था, A का भी था, B का भी था, C का भी था, लेकिन हमने C का तो लेस कर दिया 1 में से, तो अब ये किसका किसका बच गया? ओनली A का एंड B का। तो न्यू प्रॉफिट बच गया बैलेंस, न्यू प्रॉफिट था 1, उसमें से C का शेयर 1/4 लेस कर दिया, पीछे बच गया 3/4। अब ये 3/4 किसका? A का एंड B का, तो इसको हम A एंड B में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ करेंगे सबसे पहले इज न्यू शेयरिंग या शेयर इन प्रॉफिट, तो वो आ जाएगा आपका 3/4 था, और इसको हम ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में यहाँ आ जाएगा 5/8, तो ये आ गया 15, और ये कितना हो गया बेटा 24, ओके ठीक है 32 होगा ना, हाँ सर 32, तो यहाँ हो जाएगा 15/32, ठीक है। फिर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ गया आपका बी, बी इज न्यू शेयर। अब देखिए बी का कितना न्यू शेयर है, बी का है आपका न्यू शेयर आएगा 3/4 में, उसको कितना मिल जाएगा ओल्ड रेशियो में 3/8, 3/8 ये होगा 9, और ये 32। फिर आ जाएगा आपका सी इज न्यू शेयर, सी का कितना न्यू शेयर है बेटा? देखिए सी का न्यू शेयर है आपका, ये क्वेश्चन में गिवन है 1/4, क्योंकि ये न्यू ही था। अभी देखिए बेटा यहाँ पर 32 है डिनोमीटर, यहाँ पर 32 है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो इसको 32 करना है, तो जो ये नीचे वाला डिजिट है इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 32 हो जाए, तो सर 8 से कर दीजिए, तो 8 से नीचे कर देंगे, 8 से ऊपर कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वल लाने के लिए आप चाहे तो एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, 8/32, तो ये आपका रेशियो हो गया 15:9:8, ओके बेटा। तो ये एक फर्स्ट सिचुएशन थी, ऐसी कैसी हम और सिचुएशन भी करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।